सरकार बेहतर शिक्षा और बेहतर शिक्षकों के लिए लगातार प्रयास कर रही है। जहां के पाठक ने शिक्षा में सुधार के साथ साथ शिक्षकों को सुधारने के लिए भी एक बड़ा अभियान चलाया था, वहीं कुछ स्थानों पर तो इसका असर दिखाई पड़ा, लेकिन कई स्कूल आज भी ऐसे हैं जहां शिक्षक शिक्षिकाएं खुलेआम लापरवाही बरत रहे हैं, जिसके कारण स्कूल के बच्चों को दुर्घटना का शिकार तक हो जाना पड़ता है। अब आप कटिहार के मनसाही प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय पकड़िया पचबरगा को ही ले लीजिए। हालांकि इस स्कूल में मूलभूत सुविधाओं तक की कमी है। यहाँ स्कूल के अंदर ना तो पीने के पानी की सुविधा है और ना ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्कूल के चारों ओर बाउंड्री वॉल, जिसके कारण मध्याह्न भोजन का खाना खाने के बाद बच्चों को पीने के पानी के लिए सड़क पार करना पड़ता है, जिसके कारण अक्सर स्कूल के बच्चे सड़क पर दौड़ते तेज वाहनों की चपेट में आ जाते हैं। कल 7 अक्टूबर को भी कुछ ऐसा ही हुआ। स्कूल का एक बच्चा विक्रम ठाकुर खाना खाने के बाद जब पानी पीने के लिए सड़क पार कर रहा था, तभी एक तेज रफ्तार बाइक के चपेट में आ गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बच्चे को तो इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, लेकिन आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर स्कूल परिसर में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं पूरी तरह लापरवाह हैं। ऑफिस के अंदर बैठकर गप्पे मारते हैं, मौका मिलने पर शराब और चिकन पार्टी भी करते हैं, बच्चों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। बच्चे जब आते हैं स्कूल लगते हैं 10 बजे तो मास्टर लोग अपने जाके ऑफिस में बैठ के रहते हैं, बच्चे लोग सब बाहर खेलते हैं, उधर उधर जाते हैं। स्कूल जब लगता है 10 बजे तो बच्चे बाहर खेलेंगे क्या? 10 बजे बच्चे तो नहीं खेलेंगे 10 बजे बाहर। मास्टर लोग कहते हैं 10 बजे बाहर बच्चे लोग खेलते हैं, अपनी लोग देखते हैं, हम लोग देखते हैं बच्चे लोग को बाहर 11 बजे 12 बजे बाहर खेलते हैं। मास्टर लोग सभी मास्टर लोग बैठ के बाहर अंदर में जाके लोग पार्टी मनाते हैं, दारू मुर्गा खाते हैं। बच्चे लोग का जो आते हैं सरकारी जो अनाज आते हैं बच्चे लोग को सब बच्चे लोग को खाली खिचड़ी खिलाते हैं, 7 दिन के 7 दिन खिचड़ी खिलाते हैं। मास्टर साहब लोग मुर्गा दारू सब खाते हैं। ये पृथ्वी विद्यालय स्कूल है पकड़िया, डेली का डेली वो लोग यही काम करते हैं। और जो एक्सीडेंट हुआ उस दिन सामने स्कूल के सामने ही एक्सीडेंट हुआ, कोई मास्टर लोग कोई शिक्षक लोग देखने नहीं गए, खिड़की से हुलक हुलक कर देख के सब अंदर आ गए, लेकिन कोई नहीं गए मास्टर लोग उठाने के लिए। और इसमें जो बाउंड्री है, बाउंड्री का पैसा जो पहले जो 2023 का जो 22 का था बाउंड्री का, तभी ऐलान हुआ था बाउंड्री घिराने का बात। अभी जो इतना दिन बीत गए बाउंड्री का जो फंड मिला था वो कहाँ गया? मास्टर लोग कोई जवाब नहीं दे सकते हैं, बाउंड्री नहीं है। इस यही कारण जो बच्चे लोग बाउंड्री रहेंगे तभी तो बच्चे बाहर नहीं जाएंगे, बच्चे अंदर सुरक्षित रहेंगे, बाउंड्री रहेंगे तभी तो सुरक्षित रहेंगे। इसी कारण बच्चे लोग बाहर जाते हैं, बाथरूम सही नहीं है, पानी नहीं मिलता है सही पे, टेबल तो एक महीने से खराब पड़ा हुआ था, टेबल आप सही करवाए थे, टेबल जो अंदर रहेगा घिरा हुआ रहेगा तभी तो सुरक्षित रहेगा। विक्रम ठाकुर जैसी घटना पहले भी हो चुकी है। एक महीने पूर्व तो आर्यन कुमार को इतनी गंभीर चोट आई है कि डॉक्टर ने उसे 2 साल तक बेड रेस्ट पर रहने को कहा है। स्कूल में कोई चीज का सुविधा नहीं है। कौन सा स्कूल है? कौन पचबरगा प्राथमिक विद्यालय है। स्कूल में कोई सुविधा नहीं है। क्लास टाइम में बच्चा सब रोड पे भुगता है। एक से एक महीना पहले मेरा बेटा हुआ जो ब्रेन में चोट है, तो पूर्णिया मैक्स 7 में भर्ती था। परसों इसका बेटा हुआ, सपन ठाकुर का बेटा हुआ है, वो पूरा भी घायल है। यही बोलना चाहते हैं, हम लोग गरीब आदमी, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, इसका निर्णय कीजिए आप लोग। आप लोग पे हम लोग छोड़ दिए हैं। क्या आपके लड़का के साथ स्कूल के टाइम में हुआ था? क्या हुआ था? मेरा बेटा रोड पे क्या कर रहा था स्कूल के टाइम में? मेरा बेटा क्या कर रहा था 11 बजे? स्कूल आया था वो? जी हाँ, स्कूल का आर्यन कुमार नाम है मेरा बेटा का। स्कूल के टाइम में मेरा बेटा बाहर में क्या कर रहा था जो बाइक बुला के चढ़ा के चल दिए? अभी कैसा है वो? मेरा बेटा अभी 2 साल रेस्ट में बताए हैं डॉक्टर को, तो 2 साल में भी बोला कुछ भी कोई जरा पढ़ाई लिखाई सब बंद है मेरा बेटा का। ये कौन सा जगह हो गया? पचबरगा गाँव है। पंचायत? पंचायत है। स्कूल का नाम क्या है? मध्य विद्यालय पकड़िया। हाँ, मध्य विद्यालय पकड़िया। और फिर इधर फिर घटना हुआ, क्या परसों हुआ? फिर किसके साथ में? सपन ठाकुर का बेटा के साथ हुआ। उसका क्या मामला है? उसका पूरा बच्चा पूरा घायल है उसका। कैसे हुआ था उसका? उसका भी खाना खाने के लिए बच्चा यहाँ खा रहा था, अब पानी पीने के लिए दूसरे की जगह जा रहा था, पानी पीने के रोड क्रॉस कर रहा था, उधर से गाड़ी वाला के चढ़ा के चले गए। अभी वो कहाँ है? बच्चा अभी घर में है। उसका भी 2-3 बोला अभी नॉर्मल हुआ है, उसके बाद ऑपरेशन उसका भी बताया है। इस दुर्घटनाओं के बावजूद स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं को जरा भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। प्रधानाध्यापक हैं, अब पिछले एक महीने के अंतराल में 2-2 बच्चे का एक्सीडेंट हो चुका है, किसी के सर में चोट लगी, किसी का पैर टूट गया है, ऐसी स्थितियाँ क्यों बनी?
विद्यालय में बाउंड्री नहीं है और रोड पर इतने तेजी से लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, कभी कभी अनहोनी हो जाता है। नहीं तो एक बार अनहोनी पहली बार आज से लगभग एक महीना पूर्व हुआ, तो आप लोगों को भी तो सचेत होना चाहिए। जी सर, सचेत है। उस दिन हम एक सप्ताह से हम ट्रेनिंग में चले गए थे, इसी बीच में वो घटना घट गई। और सब विद्यालय में किसी को प्रभार तो देखे गए होंगे, जिम्मेवारी तय होगी कि नहीं होगी? जी जी, प्रभार दे के गए थे। कौन थे उस वक्त? अवधेश कुमार। तो जिम्मेवारी तय करना ना होगा, बच्चे के साथ में जो भी घटनाएं घटती हैं स्कूल टाइम में, तो उसके जिम्मेवार स्कूल परिवार होंगे कि नहीं? जी हाँ। बताया जाता है कि स्कूल में ट्यूबवेल नहीं है, पानी में हाथ ट्यूबवेल है सर, तो बच्चा फिर ट्यूबवेल, और ये ट्यूबवेल चोर तोड़ दिया था, उसी को ठीक कराने के लिए हम कई बार मिस्त्री को बुलाए, उसके बाद तब ठीक कराए। तो उस दिन बताया गया कि उस पार गया वो थाली, क्या आपके बच्चे को खुद थाली धोना पड़ता है क्या? नहीं नहीं, बच्चे तो यहाँ रसोईया है, छह रसोईया है। तो थाली क्या बच्चे धोते हैं? बताया गया कि थाली लेके गया तो उस पर जूठा थाली लेके, रसोईया भी धोता है, थाली लेके नहीं जाता है बच्चा। बताया गया कि थाली था उसके हाथ में जूठा थाली। क्या परिचय है आपका? फूल कुमार विश्वास। क्या है आप यहाँ के? कौन सा विद्यालय हो गया? उत्कर्मेश्वर विद्यालय। कितने शिक्षक?